वेलकम बैक। आज ही हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो कि फिज़िक्स के चैप्टर 2 से रिलेटेड है फर्स्ट ईयर के। द क्वेश्चन इज़ इफ़ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो व्हाट यू कैन से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स हैं, उनको हम ऐड करते हैं तो उनका कंपोनेंट या उनका रिजल्टेंट आपके पास ज़ीरो के बराबर आता है। तो उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हम इसमें से जानते भी हैं कि अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या नेगेटिव और पॉजिटिव वेक्टर्स, जैसे कि पहले मैंने अपनी एक वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बताया है, तो वेक्टर्स का सम तभी ज़ीरो हो सकता है एक प्लस हो और उसका एक नेगेटिव वेक्टर हो, दोनों इक्वल हों और अपोजिट हों, यानी एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, उन दोनों को सम करें आपका ज़ीरो के बराबर आए, तब वो ज़ीरो के बराबर हो सकते हैं। लेट्स सी हाउ आई एक्सप्लेन टू यू। एज गिवन दैट the given two vectors are adding to each other so their components will be added। जैसे कि मैंने बताया कि दो कंपोनेंट्स हैं, उनको हम ऐड कर रहे हैं। फ्राम वेक्टर अलजबरा वी नो दैट द सम ऑफ द वेक्टर्स विल बी ज़ीरो ओनली इफ़ वेक्टर आर देयर कंपोनेंट्स आर पॉजिटिव एंड अदर हाफ हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द अदर हाफ ऑफ द कंपोनेंट्स। तो ये हमें क्या बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेक्टर अलजबरा दो वेक्टर्स क्या है कि उनका सम ज़ीरो के बराबर तभी होगा अगर हाफ कंपोनेंट्स हैं जो वेक्टर्स के उनको अगर हम पॉजिटिव लें तो अदर हाफ जो होंगे जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन उनको हम नेगेटिव लेंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो उनका सम ज़ीरो के बराबर होगा। इसकी मिसाल ये भी हो सकती है कि सिंपली हम कहते हैं कि टू ये प्लस का टू है और इसमें इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, क्या इसकी वैल्यू टू है, इसमें आप क्या है कि ऐड करते हैं माइनस टू वो और ये आपका ज़ीरो के बराबर होता है। तो अलजबरा के लिहाज से या अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर कि आप हाफ ऑफ द कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या है कि पॉजिटिव लेते हैं, हाफ ऑफ द कंपोनेंट्स जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन होते हैं उनको हम क्या है कि नेगेटिव लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये ज़ीरो के बराबर आता है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह देख सकते हैं? तो ये अकॉर्डिंग टू वेक्टर फॉर्म ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो इट्स मीन डेट ए इज़ इक्वल टू माइनस बी के ये प्लस हो रहा था दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इन रेक्टेंगुलर फॉर्म इन थ्री डायमेंशनल फॉर्म हम वेक्टर ए एंड बी को किस तरह लिख सकते हैं? ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। इसी तरह हम बी को किस तरह लिख सकते हैं? बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जेड के। तो ये हम है, तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ से इस इक्वेशन के लिहाज से आपको क्या पता लगता है कि ए एक्स आई आपका इज इक्वल टू माइनस बी एक्स आई। इसी तरह ए वाई जे आपका माइनस बी वाई जे के बराबर होगा। इसी तरह आपका जेड कंपोनेंट भी बराबर होगा। तो ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के इज इक्वल टू माइनस बी एक्स आई माइनस बी वाई जे माइनस बी जेड के। तो कंपेयर करने के बाद आपको ये वाला रिज़ल्ट मिलता है जो कि मैंने आपको इसमें दिखाया था। तो ए एक्स आई आपका किसके बराबर हो गया? ए एक्स आई आपका माइनस बी एक्स के बराबर हो जाएगा। इसी तरह ए वाई आपका माइनस बी वाई के बराबर हो जाएगा। इसी तरह आपका ए जेड माइनस बी जेड के बराबर हो जाएगा। तो इतना ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ वेक्टर्स आर इक्वल बट अपोजिट सो दे विल कैंसल ईच अदर एंड द रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो। क्या है कि जो इसके तमाम कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल करने के बाद आपका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो के बराबर होगा। होप आपको समझ आया होगा। If you have any questions about this, please write in comment.